अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल फूड कॉर्नर विद मरियम। तो आज की हमारी रेसिपी है चॉकलेट सिरप। तो चलिए हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब दूध लिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध है, या ज़्यादा मैंने गर्म नहीं किया, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर दूध मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन फ्लेम को मैंने अभी ऑन नहीं किया। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। 2 कप दूध मैंने डाल दिया है एक डेगची में। आप यहाँ पे सॉस पैन भी ले सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब मैं कोको पाउडर डालूँगी। कोको पाउडर मेरे पास तकरीबन 3 खाने का चम्मच है, और मैं इसको दूध में मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह। और उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। चीनी की क्वांटिटी इसमें डबल होगी। अगर आपने कोको पाउडर इसमें 3 खाने का चम्मच ऐड किया है तो चीनी आपने 6 खाने का चम्मच ऐड करनी है, क्योंकि जो कोको पाउडर है उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। इस वजह से आपने जो भी चीनी ऐड करनी है उसमें उसकी क्वांटिटी डबल होनी चाहिए। तो इसको मैं अब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, लेकिन फ्लेम को मैंने अभी ऑन नहीं किया। जब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ये दूध में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दूँगी। तो यहाँ पे आपने स्पैचुला ले लेना है, या आपने कोई बीटर ले लेना है, उसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ यूज़ेस बता देती हूँ कि चॉकलेट सिरप कहाँ कहाँ यूज़ होता है। डिफरेंट डेजर्ट्स में यूज़ होता है, उसके अलावा आइसक्रीम की टॉपिंग्स में यूज़ होता है। आप इसकी हॉट चॉकलेट बना सकते हैं, और इसके अलावा आइसक्रीम शेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन काफ़ी लो फ्लेम रखा है, मीडियम फ्लेम नहीं रखा, वरना जो हमारा चॉकलेट सिरप है वो जल जाएगा, क्योंकि ये एकदम थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने इसको अच्छी तरह ऐसे ही मिक्स करती जाऊँगी और इसको लो फ्लेम पर पकाती जाऊँगी। तो चॉकलेट सिरप को आप पैन केक्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल केक्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप पुडिंग्स घर में बनाते हैं, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 3 इंग्रेडिएंट्स के अलावा और कोई भी 4th इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया। बहुत ही ईजी रेसिपी है चॉकलेट सिरप के घर में बनाने की। तो आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है, ताकि आपको रिज़ल्ट भी पता चल जाए कि चॉकलेट सिरप हमारा एंड में कैसा तैयार हुआ है। तो चॉकलेट सिरप में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा लाइट कलर में ही बनाऊँगी। अगर आप डार्क कलर में बनाना चाहते हैं तो आपको कोको पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा चॉकलेट सिरप आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो गया है। फ्लेम को हमने बहुत ही लो रखा है, मीडियम फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी, और चम्मच आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद लाजमी हिलाना है इसमें, वरना जो चॉकलेट सिरप है वो नीचे लग जाएगा और इसका थोड़ा सा जला जला फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर देखें, इतना थिक होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको अगर हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं फ्लेम इसकी बंद कर दूंगी, इतनी ही कंसिस्टेंसी रखूंगी इसकी, और हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके चेक कर लेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी ठंडी होके कितनी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा चॉकलेट सिरप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और कैसे करना है। तो फ्लेम को मैं यहाँ पर फ़िलहाल बंद कर रही हूँ। यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ चम्मच के साथ। ये देखें, ये इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, वरना ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। और आप इसका कलर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं किया, ये थोड़ा सा लाइट कलर ही है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसका अगर डार्क कलर करना चाहते हैं तो आप इसका डार्क कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा चॉकलेट सिरप बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और ये ठंडा होके थोड़ा सा और थिक हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं इसको एक बॉटल में डाल के इसको रख देती हूँ, ताकि हम इसको बाद में किसी भी डेजर्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं, पैनकेक्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो कंटेनर है जिसमें आपने इसको स्टोर करना है, वो अच्छी तरह वॉश होना चाहिए, और उसमें कोई भी पानी के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं चॉकलेट सिरप जो सा एक बॉटल में भर लेती हूँ, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी लग रही है। अब मैं इसको बंद करके स्टोर करके रख सकती हूँ। आप इसको फ्रिज में रखिएगा, और इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेम चॉकलेट सिरप बाज़ार जैसा ही है, और इसका सेम फ्लेवर ही है। तो मैं आपको अगले वीडियोज़ में इसकी रेसिपीज़ भी बताऊंगी कि ये आप चॉकलेट सिरप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर लिया है, और अब मैं यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना थिक लग रहा है। अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसा ही चॉकलेट सिरप घर पर रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।